गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, मुझे आज आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। सभी बच्चे और पेरेंट्स प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। जो आपको सिलेबस और डेटशीट भेजी गई है ग्रुप पे, उसे आपको किस पे नोट करना है? डायरी में नोट करना है बेटा, ठीक है बेटा? अगर आप डायरी में से नोट नहीं करेंगे तो एग्जाम आपका कैसे होगा? मंडे को आप सभी बच्चों की डायरी स्कूल में आनी चाहिए हर हाल में, ठीक है? एक दिन की छुट्टी है, पूरे इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है। आप सभी को वो सिलेबस आपको नहीं लिखना, मतलब आपके पेरेंट्स या बहन भाई उसको नोट कर लेंगे। और मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपको किस जगह पे नोट करना है। देखिए, ये आपकी डायरी है, ठीक है? डायरी में यहाँ से सिलेबस लिखा है, ठीक है? फ्रंट पेज पे देखिए, ये सारे पेज हटा दीजिए, ये सारे पेजेस को खोलेंगे, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ देखिए, ये सिलेबस लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ऊपर सब्जेक्ट डालना है इंग्लिश, फिर यहाँ पर सिलेबस लिखना है इंग्लिश का, ठीक है? अगर नीचे जगह बसे तो हिंदी का नीचे से स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर ईवीएस, फिर ईवीएस की ड्रॉइंग, और फिर यहाँ पर डेट शीट, ठीक है? तो आप सब बच्चों को सिलेबस और डेट शीट डायरी में लिखकर मुझसे चेक करवाना है, ठीक है? अगर आप मुझसे चेक नहीं करवाएंगे तो मुझे कंफर्म नहीं होगा कि आप बच्चों ने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। सो स्टूडेंट्स, जब तक आप अपनी डायरी में होमवर्क नहीं नोट करेंगे, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि डायरी में मैम का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मंडे को सभी बच्चे अपनी डायरी में होमवर्क कंप्लीट करके सभी के पेरेंट्स डायरी चेक करवाएंगे, ठीक है? कॉपी के साथ साथ सभी बच्चों की, ये 1, 2 या 3 बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे डेली कॉपी चेक कराते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। जो रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, आपको डायरी चेक करवानी पड़ेगी, तभी आपका पेपर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारा रिवीजन वर्क देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट देखिए, 3/10/2020 एंड डे इज सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे यानी कि शनिवार। सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टॉपिक इज साउंड ऑफ डबल ई। सो स्टूडेंट, टुडे वी रिवाइज साउंड ऑफ डबल ई। कौन सी साउंड रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट? डबल ई साउंड रिवाइज कर रहे हैं। पहले भी किया है ना, तो आज फिर से करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ये आपका क्लास वर्क है। ये वर्क हम किसमें कर रहे हैं? क्लास वर्क में कर रहे हैं। मैंने पहले से ही आपके लिए क्या करके रखा है? पिक्चर्स ड्रॉ करके रखी हुई है। हमें क्या करना है इसमें? नेम फिल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है ट्री। बिकॉज अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अभी इंग्लिश में हम उसको किससे रिलेट करें? वैसे तो ये ट्री है। इसका नाम क्या है? ट्री है ना। ट्री देख रहे हैं ना आपके आस पास कितने सारे ट्री है। तो स्टूडेंट हम इसको बोलेंगे ट्री। लेकिन जब हम 4 अक्षर के शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं? बरगद। तो किसी भी बच्चे को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये है ट्री, ठीक है? TREE ट्री। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बी। मधुमक्खी है ना, BEE, BEE। नेक्स्ट इज व्हील, WHEEL, व्हील मीन्स पहिया।
स्टूडेंट्स बीज क्या होता है देखा होगा आपने, जब भी हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो उनके अंदर भी बीज होते हैं। या अगर हमें कोई पौधा लगाना है तो मम्मी सबसे पहले क्या लगा देती है, बड़ा सा पेड़ लगा देती है या बड़ा सा पेड़ उग जाता है? नो, सबसे पहले बेटा हम सीड लगाते हैं, सीड यानी कि बीज लगाते हैं। बीज जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसमें छोटी सी कली आती है और फिर हमारा पूरा प्लांट बनता है धीरे धीरे करके। तो सीड मतलब बीज, या फिर अगर जो आप फ्रूट्स खाते हो उनके अंदर भी बीज होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, सीड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज जीप, जे डबल बी, जीप। जीप में गाड़ी, बेटा आपने देखा होगा गांव जैसी जगह होती है तो वहां पर क्या चलती है, जीप चलती है ना, जीप। यहाँ पर तो बहुत कम जीप चलती है, इक्का दुक्का ही चलती है, लेकिन गांव जैसे एरिया में क्या चलती है, जीप चलती है, जीप। तो उसको क्या बोलते हैं, जीप, क्या बोलते हैं, जी। नेक्स्ट देखिए ये है एफ डबल ई टी, फीट। फीट मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे पैर के नीचे का हिस्सा होता है उनको क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फीट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर आप बोलोगे कि मैम ने क्या बनाया है, बेटा मैंने ये बनाया है डीप, डीप मतलब गहरा, ये मैंने गड्ढा टाइप बनाया है, ठीक है, तो गहरा टाइप गड्ढा। गड्ढा कैसा होता है, आपने कभी गड्ढा खुदा हुआ देखा है? देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चों ने, हम बोलते हैं ना कि जहाँ गड्ढा होता है वहां से नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि गड्ढा क्या होता है, गड्ढा बहुत नीचे गहरा होता है, तो गहरे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीप बोलते हैं, डी डबल पी, डीप। डीप मीन्स गहरा, डीप मीन्स गहरा। सो स्टूडेंट आप सभी को मैथ जो पढ़ाती है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? बच्चों अगर कुछ भी समझ ना आए तो मैम से पूछ लिया करो कि मैम आप स्पेलिंग समझ नहीं आ रही या इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, ठीक है? और अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है तो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स चलिए सभी बच्चे आप रीड करते हैं, ठीक है? ऑल द स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन केयरफुली, ओके? सो स्टूडेंट्स देखिए, टी
रीड करते रहेंगे तो आपको उसकी स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। ओके, आप सभी बच्चे बहुत गुड बच्चे हो, तो आप सभी को अपना जो भी काम है और एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट रखनी है और डे टू डे मैम से चेक करवा लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों।